वेलकम टू एनडीएल 23 पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। आज ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिराइव हुआ। नॉर्मल प्रेशर फॉर अ गैसियस सब्सटेंस, हम जानते हैं गैस लॉज दैट वी हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 11th। गैस लॉ में बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह लॉज डिस्कस कर लिए हैं हमने, और वहां पर प्रेशर के टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ के रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे। वॉन्टॉफ एंड पेफर सजेस्टेड इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये दूसरा एंडिस्ट है वॉन्टॉफ एंड पेफर, उन्होंने सजेस्ट किया कि बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे बिहेव लाइक अ गैसियस सब्सटेंस। तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाइल्यूटेड सब्सटेंस या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए गैसियस सब्सटेंस की तरफ बिहेव करते हैं, तो उनके लिए हम जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो गैस लॉ के तरह ही डिराइव कर सकते हैं। आज मैं डेरिवेशन सिखा रहा हूं रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये एडिशनल टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। जैसे गैस लॉस के फॉर्मूला थे आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ऐसा ही इक्वेशन यहां पर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के बनने वाला है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। सो इंस्टेड ऑफ पी वी आर यूजिंग पाई बिकॉज पी मींस प्रेशर फॉर अ गैसियस सब्सटेंस, हियर पाई indicates osmotic pressure for a liquid solutions. Let's see a relation and how the osmotic pressure formula has been derived. शुरुआत में तीन लॉ से करने वाला हूं, बॉयल्स लॉ। अगर आपको पता है तो बॉयल्स लॉ का एक स्टेटमेंट था जो फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूं, which is P varies to 1 by V. Agreed? Then we have Galusek law. Galusek suggested that P varies to T. That means pressure is directly proportional to its temperature. Pressure is inversely proportional to its volume. And one more is called Avogadro's law, which indicates that pressure is directly proportional to the number of moles. अगर हम ये तीनों को collectively लिखते हैं, याद हो तो 11 का ही पूरा format फिर से समझा रहा हूँ, पूरा topic. That P varies to NT by V. क्योंकि वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शन में है और एन और डी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब वेरी सदा के हम एक कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट जो होगा वो आर गैस कांस्टेंट, सो इट इज कॉल्ड एन आर टी बाई वी। और ये फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो ये था पीवी इज इक्वल टू एन आर टी कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। सिमिलर टू दैट जो बॉयल्स लॉ है अब वो मॉडिफाइड है कॉल्ड बॉयल्स Wendt-Hoff law. It is called Boyle's Wendt-Hoff law. Wendt-Hoff law. Boyle's Wendt-Hoff law का मतलब क्या है? यहाँ Boyle's law P varies to 1 by था, V था. Boyle's Wendt-Hoff law is pi varies to 1 by V. Then Galusek law changes to Galusek Wendt-Hoff law. Now this Galusek-Wendt-Hoff law indicates P varies to T for Galusek law, but Galusek-Wendt-Hoff law is pi varies to T. In short, जहां जहां प्रेशर P है वहां वहां हम ऑस्मोटिक प्रेशर pi से इसको डिनोट करते जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर pi. ये स्टडी किया था Wendt-Hoff और Pfeffer ने, that in a very diluted solution the solute particles behaves like a gaseous substances, और इसीलिए गैस लॉ रिलेटेड applications उन पर भी अप्लाई हो सकती है। एक और Avogadro को हम लिखेंगे Avogadro Wendt-Hoff law, Avogadro Wendt-Hoff law. अब इसके basis पर pi varies to n हो जाएगा। Collectively अगर मैं लिखूं ये तीनों तीन का collective version, तो pi varies to nt by v, and therefore pi is equal to nRT by V, where R is constant of proportionality.
Now V goes to this side, the formula changes to pi V is equal to nRT. This pi V is equal to nRT is a formula related to the osmotic pressure pi. इसके बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, इसके मॉडिफिकेशंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं. क्या है इसके मॉडिफिकेशंस? लेट्स सी. पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी. नाउ व्हाट इज एन? एन मींस नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम, क्योंकि डब्ल्यू बाय एम को हम नंबर ऑफ मोल्स से रिकॉर्ड कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू बाय एम. ये था पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय और डब्ल्यू आर टी अपॉन एम. इसके अलावा अगर मैं वी को नीचे ले ले जा रहा हूं तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन वी इंटू एम. वी नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में. नाउ डब्ल्यू बाय एम इज कलेक्टिवली कॉल्ड एन. सो कैन यू सी दैट इट्स पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी, एंड एन अपॉन वी, एन नंबर ऑफ मोल्स, वी इन अ volume in a liter. So if it is called mole per liter is called molarity, and molarity is denoted as concentrational term. So pi is equal to CRT, where C represents concentration of a solution. R, constant, gas constant, different value of gas constant, you know, 8.314. Temperature T in a Kelvin scale we need, and pi is called osmotic pressure. इसके फॉर्मूला हमको और आगे बढ़ा सकते हैं हम, दैट अगर मैं इसमें से मोलर मास फाइंड करना चाहता हूं, मोलर मास, तो विल मेक एम अ सब्जेक्ट. सो इट बिकम्स एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी. सो फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन, अगर सॉल्यूट का मोलर मास आपको डिटरमाइन करना हो तो मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी. सो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज सिमिलर to that of ideal gas equation. PV is equal to nRT, we'll take pi V is equal to nRT. अब ये different version of osmotic pressure के formula से, ये book में नहीं है, ये additional topic मैंने discuss किया हुआ है कि भाई ये formula derive कैसे हुई. तो ये relation जो था वो Wendhoff और Pfeiffer ने study किया था, that in a very diluted solution the solute particles behaves like a gaseous substances, और इसीलिए उन पर भी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलियोसेट लॉ, एवोगैड्रो लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो पाएगा. लेकिन इसको हम नॉट ऑन द फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ डिस्कस कर सकते हैं, विल डिस्कस इन फॉर्म ऑफ बॉयल्स वेंडहॉफ लॉ, सिमिलरली गैलियोसेट वेंडहॉफ लॉ एंड एवोगैड्रोस वेंडहॉफ लॉ. जल्दी से ये फटाफट कॉपी कर लिया जाए, इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट थियरी में कुछ और डिस्कशन करना है, एंड देन विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर और टॉपिक. Okay, we'll move further. Now, depending upon the osmotic pressure, the solution can be classified as isoosmotic, hypertonic, and hypotonic solution. Isoosmotic, hypertonic, and hypotonic solution. Let's study or let's discuss the meaning of this three type of solution. First, we'll start from isoosmotic solution.
Now, depending upon the osmotic pressure, the solutions are classified as isoosmotic. Hypotonic and hypertonic solutions. Isoosmotic, hypotonic and hypertonic solutions. Iso means same and osmotic means having same osmotic pressure. Suppose we are having two solutions, 1 and 2, and they are having same osmotic pressure. That means in case they are having pi 1 is equal to pi 2. That means osmotic pressure of solution 1 is equal to osmotic pressure of solution 2. Then those solutions are called isoosmotic solutions. Basically, if I talk about isoosmotic solution, then their osmotic pressure is same. If their osmotic pressure is same, then indirectly they are having same concentration. And इसीलिए जो isoosmotic pressure वाले solutions हैं, उनको isotonic भी कहते हैं. Isotonic means having same concentration. If they are having pi 1 is equal to pi 2, it implies that they are having C1 is equal to C2. That means their concentrations are same. अगर आपको पता हो तो formula था, pi is equal to CRT. That means pi 1 is equal to C1RT and pi 2 is equal to C2RT. अगर मैं कहूँ कि pi 1 equal to pi 2, pi 1 equal to pi 2, what it indicates? It implies that C1RT is equal to C2RT. R or T दोनों constant है, कट हो जाएंगे. So it implies that it is C1 is equal to C2. So which indicates those solutions which are isoosmotic. अगर जो solutions isoosmotic है, that means those who are having same osmotic pressure, they are also having same concentration. जो isoosmotic होंगे, वो isotonic भी होंगे. जिनका osmotic pressure same होगा, उनकी concentration भी same होगी. And that means they are isotonic solutions. ये isotonic solutions है. Pi 1 is equal to C1RT and pi 2 is equal to C2RT. इसी तरीके से इसको derive किया जा सकता है. Next we are having two categories of solution called hypotonic and hypertonic. अगर दो solution हमारे पास है 1 and 2 and if they are not having same osmotic pressure, मतलब ऐसे solution जिसमें osmotic pressure same नहीं है, तो दोनों में से जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अगर हम आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस को सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करें, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता नहीं है. क्यों? क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मूवमेंट क्रिएट नहीं होगी, ऑस्मोसिस नहीं होगा, कहीं पर भी सॉल्यूशन की मूवमेंट दिखाई देगी नहीं. लेकिन ये सॉल्यूशंस जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, दे विल शो ऑस्मोसिस. अगर वो सॉल्यूशंस में कंपैरिजन की जाए, तो वो दो सॉल्यूशन जिसमें से जो सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगी, कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. एंड द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर in compared to the other solution is called hypertonic solution. In this case, agar main kahun ke pi 1 is less than pi 2, then pi 1 jiska osmotic pressure pi 1 hai wo hypotonic hoga, aur jiska pressure i 2 hai ya pi 2 hai, it is called hypertonic solution. To ye tha explanation about osmotic pressure. Formula of osmotic pressure, pi V is equal to nRT और pi is equal to CRT. इसके अलावा हमने तीन टाइप के solutions discuss कर लिए, isoosmotic, hypotonic and hypertonic. एक और part में इसी के numericals हम discuss करने जा रहे हैं. Theory related to the osmotic pressure यहाँ पर complete हो गई है. अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशन, दैट मींस इन फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये लेक्चर में डिस्कस किया हुआ जो फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू एनआरटी, उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं.
थियरी को एक बार ध्यान से समझ ले, दोनों लेक्चर ठीक से समझ ले। पार्ट थ्री में इसी के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, साथ में एक डीपी भी प्रोवाइड की जा रही है जिसमें यही कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। सो गो थ्रू इट और आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कंप्लीट करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द थर्ड पार्ट।